हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स मींस वेक्टर्स को सीखेंगे। आज हम लोग जस्ट वेक्टर्स की डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स, डेली लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके सीखेंगे। वेक्टर्स को शुरू करने से पहले हम लोग बात शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जी हाँ, ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकें, जिनकी पैमाइश की जा सके। डेली लाइफ में हम लोग कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को अक्सर डिस्कस करते हैं, जैसे कि 5 किलोग्राम चीनी ले आओ, गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, घर में 220 वोल्ट आ रहा है, एसी 5 एम्पेयर करंट ले रहा है, मेरा गांव यहां से 10 किलोमीटर दूर है, वगैरह वगैरह। ये सारे जो नंबर्स मैंने बोले हैं, लेंथ, मैस, टाइम, वेट वगैरह, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये मेजरेबल है। हम लोग दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि वेक्टर्स को समझने से पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का आइडिया होना चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैस, हम लोग कहते हैं जी 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो 5 किलोग्राम इज एनफ इंफॉर्मेशन टू डिलीवर। इसके अलावा डायरेक्शन वगैरह की और कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग कहते हैं जी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो 10 लीटर पेट्रोल की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से हम कहते हैं जी 2 घंटे बाद आना, मेरा गांव यहां से 10 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस, टाइम, वर्क वगैरह वगैरह, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आदमी है, इसने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई है और मैं आपको कहता हूं सपोज इस आदमी ने इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाई है। 50 न्यूटन फोर्स की मैग्नीट्यूड है। यहां दिमाग में एक और क्वेश्चन पैदा होगा कि किस तरफ लगाई होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस आदमी ने फोर्स ईस्ट की तरफ लगाई है, तो बात मुकम्मल हुई है, डायरेक्शन बताए बगैर बात इनकम्प्लीट थी। ऐसी और बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन बताए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको जाहिर कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरह की होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स, लेटर्स वगैरह, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्केच करना, ग्राफ बना के बताना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आम तौर पे हम लोग कुछ सिंबल्स या कुछ अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैस को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं और वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल वी से लिखते हैं। इसी तरह से फोर्स को हम लोग एफ से लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लोग वी से लिखते हैं। अभी इनकी सिंबल्स अगर लिखी हों तो कैसे पता चलता है कि कोई सिंबल किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है या स्केलर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो बुक्स के अंदर आमतौर पर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिएगा, उसके अंदर जो लेटर बोल्ड करके लिखा होगा, मोटा करके लिखा होगा, ए बी सी आर, वो किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन हैंडराइटिंग में, हम खुद लिखते हुए, पेपर में लिखते हुए, हम लोग वेक्टर्स को बोल्ड नहीं करेंगे, हम उनके लेटर्स को सिंपल लिखेंगे। लेकिन उसके ऊपर, इससे डिफरेंशिएट करने के लिए, वेक्टर की सिंबल के ऊपर एक एरो का साइन या उसके नीचे एक एरो का साइन, मैथ में हम लोग उसके ऊपर एक लाइन या उससे नीचे एक लाइन बना के भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इससे, बाकी चारों ठीक है। अभी जब आप लोग पेपर कर रहे हो तो आप लोगों ने वेक्टर्स को लाइट फेस लेटर विद एन एरो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मेरी तरह कुछ उनके डोले शोले मसल्स वगैरह होते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि वो किसी वेक्टर को अगर पेपर पे बोल्ड करें तो इतने जोर से बोल्ड करते हैं कि पेपर के 4 शीट्स आगे भी वो वेक्टर प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है, सिंपल थोड़ा जोर लगाएं, लाइट फेस लेटर लिखें और उसके ऊपर एक एरो का साइन दे दें, तो वो वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा वेक्टर्स की जस्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करनी हो तो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सिंपल लाइट फेस लेटर लिखते हैं, या अगर आप वेक्टर के ऊपर एक एरो का साइन लगा दिया आपने
तो आप उसके साथ ये दो लाइनें लगा दो, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ फोर्स। ये भी मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है। आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिस ये है, इसमें इंक भी कम लगी और टाइम भी बच गया, और इंक और टाइम दोनों पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप लोग तब यूज करें जब आप किसी वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो का साइन लगा बैठे हो और अब आपको पता चला है जी मैंने तो मैग्नीट्यूड बतानी थी, तो साथ ये दो लाइनें और लगाएं और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दें। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को ड्रा करना। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल विद एरो हेड। एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और जहां लाइन खत्म हो वहां पर एक एरो हेड लगाना है। लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है और एरो हेड डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल 50 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ एक्ट कर रही है और मैं इसको ग्राफिकली ड्रा करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक स्केल सेट करूंगा, क्योंकि लेंथ ड्रा करनी है अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल, तो स्केल सेट करूंगा और उसमें मैं ये सपोज करूंगा कि 1 सेंटीमीटर लेंथ कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां स्केल आपकी मर्जी का होता है, आप लोग अगर यहां पर ये चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 न्यूटन को शो कर रही है, तो फिर 50 सेंटीमीटर लेंथ 50 न्यूटन को शो करेगी और ये काफी लेंथ बन जाएगी, हो सकता है ये पेज से बाहर हो जाए, तो इसलिए चादर के मुताबिक पांव फैलाने हैं। यहां हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर ये है कि अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 न्यूटन कंसीडर करें तो 5 सेंटीमीटर लेंथ से 50 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन, तो यहां पर हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन लगाएंगे और जहां पर ये लाइन खत्म हुई है ये डायरेक्शन देखेंगे ईस्ट है, तो यहां पर ये एरो हेड देंगे, ये एरो हेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कि एक वेक्टर की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस लाइन की लेंथ हमें बताती है कि इसको रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।